चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, यहां पर एक क्रमिक रूप से विस्तार पूर्वक पर्यावरण शिक्षण के एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हुए आज हम आपके इस विकासात्मक यात्रा को लेकर के पहुंचे हैं पर्यावरण शिक्षण के आज एकीकृत उपागम पर, जहां पर हमारे द्वारा आज आपसे बातचीत किया जाएगा। सर्वप्रथम हम बात ये करेंगे कि पर्यावरण शिक्षण में ये एकीकृत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि एकीकृत शब्द क्या है। अगर ये समझ में आता है तो आप विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए आसानी से चुटकियों में प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी बातचीत आज आपकी हमारी होगी वह होगा एनसीएफ 2005 के विशेष संदर्भ में कि एनसीएफ 2005 ने यहाँ पर क्या परिवर्तन किया या क्यों ये एकीकृत शब्द का प्रयोग किया। इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि एनसीएफ 2005 के पहले एक शब्द का हम साफ प्रयोग करते हैं, एनसीएफ 2005 के पहले शब्द का। साहब, अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि एनसीएफ 2005 के आने से पहले शब्द का, तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम कि हमारे विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन शब्द का प्रयोग किया जाता था हमारे पर्यावरण और उससे संबंधित सहायक विषय को यहाँ पे अध्ययन के लिए। अगर हम और आगे की बात करें कि इस सामाजिक अध्ययन में होता क्या था, तो हम एक सामान्य तौर पर कहते हैं कि इसमें शामिल किया जाता था साहब क्या इतिहास शामिल किया जाता था। अगर और आगे की बात करें तो यहाँ पर शामिल किया जाता था भूगोल शामिल किया जाता था। और अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत की राज्य व्यवस्था जिसको हम नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं प्रारंभिक स्तर पर उसे प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद अगले चरण में होता था हमारा क्या पर्यावरण जुड़ा हुआ होता था। अब साहब देखिएगा कि प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और वहां आपको एक विषय की शिक्षा देनी है साहब, और उस विषय का नाम है सामाजिक अध्ययन, और उसे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत का मतलब है कि उसको एक एक अलग अलग तरीके से लेते हुए आप पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे और पर्यावरण पढ़ा रहे। तो इस प्रकार के शिक्षण की पद्धतियों से धीरे धीरे बालकों के अंदर विषय की गहनता साफ रूप में परिलक्षित होने लगी कि हमें सामाजिक अध्ययन में 1, 2, 3, 4 पढ़ने हैं। तो साहब एक सामाजिक अध्ययन विषय में मुझे 4 विषय पढ़ने पड़े, तो कहीं ना कहीं बालकों में ये आने लगा कि हमें इससे धीरे धीरे बोझ का अनुभव होगा, क्योंकि यह प्रारंभिक स्तर पर ये व्यक्तिगत विषय हमें बोझ का अनुभव कराते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाए तो बालक को लगता है कि मुझे इतिहास पढ़ना है, मुझे भूगोल पढ़ना है, मुझे राज व्यवस्था पढ़नी है, और वो जो एक बड़ी बड़ी अवधारणाएं होती हैं कि इतिहास विषय ऐसा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को रटा सुबह सफा, तो ये सब अवधारणाएं बालक को क्या करती थी कि इन सबसे बालक के अंदर एक शब्द साहब आता है कि बालक में द्वंद्व जन्म लेता है। द्वंद्व का मतलब होता है कि कई विचार आए और वे एक साथ क्रियाशील हों और समस्या का समाधान ना हो पाए, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं साहब, द्वंद्व कहते हैं। लेकिन देखिए ये द्वंद्व तो ठीक है हर किसी में होता है, ये सब्जेक्ट आया, हम बालकों की बात नहीं करें, हमारे आपके मन में भी आता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि हमें उस समस्या से नई सूचना मिली और उसका समाधान करने के लिए हमने अपने पूर्व विद्यमान सूचना को भी क्रियाशील कर दिया और दो की दोनों सूचनाएं चलने लगी, लेकिन समस्या का समाधान अभी नहीं हो पा रहा है। मानव मन की इस दशा को साहब आप क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी में द्वंद्व तो आया, लेकिन यह द्वंद्व के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि चल रही हमारी मानसिक प्रक्रिया में जो नवीन सूचना, पुरानी सूचना, मतलब पूर्व विद्यमान सूचना में से किसी एक सूचना का आगे की ओर बढ़ जाना, अत्यधिक क्रियाशील हो जाना, हमारी समस्या का साहब क्या प्रस्तुत कर देता है, समाधान। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बात सोचने और सीखने की है, ध्यान देंगे।
कि द्वंद की स्थिति चल रही है और यह द्वंद की स्थिति थोड़ी लंबे देर तक रुक जाए और बालक समाधान के क्रम में नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मन के अंदर कुंठा जन्म लेती है और कुंठा एक नकारात्मक अवधारणा होता है। कुंठा क्या है? यह एक नकारात्मक अवधारणा होती है। सीधे तौर पे कहते हैं कि द्वंद को कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। क्या कहते हैं? आगे कुआं पीछे खाई। ऐसी स्थिति को हम द्वंद कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह सोचने लगे कि अब तो मरना है ही, चाहे आगे कूद के मर जाए चाहे पीछे, और वो छलांग लगा दे तो कुंठा कहते हैं, तो ऐसी स्थितियों से जो द्वंद उत्पन्न हुआ इसका समाधान आगे नहीं हो पाया और बालक में क्या जन्म लेने लगी साहब? कुंठा जन्म लेने लगी। मतलब यही स्थिति हो गई कि अब आगे कुआं पीछे खाई, मतलब द्वंद, तो अब कहीं ना कहीं कूद करके जान दे देना है। ये जब इस प्रकार की विचारधारा आई तो साहब आपने इसे क्या कहा था? कुंठा कहा था। तो बालक के अंदर इन विषयों को लेकर के द्वंद तो उत्पन्न हुआ, द्वंद तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप बालक की समस्या का समाधान नहीं हुआ और बालक में धीरे धीरे क्या जन्म लेने लगा? कुंठा। और इस कुंठा के परिणाम स्वरूप बालक इन विषयों को बोझ समझने लगे। फिर बात आती है एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया कि पाठ्यक्रम क्या चल रहा है, इसमें बालक किस प्रकार से अध्ययन की भूमिका निभाते हैं, क्या वे सहजता से अधिगम की क्रिया को संपादित कर रहे हैं या कठिनता से अनुभव कर रहे हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए तो सीधे तौर पे निष्कर्ष निकला कि इन सभी विषयों को व्यक्तिगत रूप से बालक पढ़ करके बालक में एक बोझ का अनुभव होता है। और एनसीएफ अपनी हेडिंग ही रखी थी कि शिक्षा जो कि बिना बोझ के, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखने लगा। और एनसीएफ 2005 ने विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे एनजीओ, हम यहां पर बात करते हैं कि एनसीएफ और भी अपने अध्ययन को कहां से या अपने डेटा को कहां से प्राप्त करता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के एनजीओ जो कि विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं। आपने ये देखा होगा कि लिखता है कि दिल्ली के विद्यालयों का ये हाल, जो आपके न्यूज़पेपरों में कटिंग आती है वो कहाँ से होता है साहब? वो एनजीओ के द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटा आते हैं। तो ये एनजीओ के डेटा और 2005 अपने अध्ययन के उपरांत यहाँ पे जो निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विषय की शिक्षा प्रदान करने के क्रम में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। क्या होने चाहिए साहब? परिवर्तन होने चाहिए। अब यह परिवर्तन क्या होना चाहिए कि जो आप सामाजिक विषय पढ़ा रहे हैं इस क्रम में आपको यहां पर रखना होगा क्या? पर्यावरण। और इस पर्यावरण की जानकारी या पर्यावरण का ज्ञान प्रारंभिक स्तर को मानते हुए यहां पे इतिहास की प्रारंभिक ज्ञान, भूगोल की प्रारंभिक ज्ञान और यहाँ पे राज व्यवस्था की प्रारंभिक स्तर की ज्ञान बालक के पर्यावरण से जोड़ते हुए, भाई साहब इतिहास की ज्ञान, भूगोल की ज्ञान, राज व्यवस्था की ज्ञान बालक के पर्यावरण या उसके वास्तविक वातावरण से जोड़ते हुए आप क्रमबद्ध रूप से प्रदान कर रहे हैं, यही हमारी क्या कहलाती है कि हम कह रहे हैं एकीकृत उपागम। विभिन्न विषयों को अलग अलग ना दे करके आप एक साथ एकीकृत करते हुए पर्यावरण के से जोड़ते हुए बालक को प्रारंभिक स्तर का ज्ञान दीजिए। जब ऐसी दशा में आप बालक को उसके पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा प्रदान किए रहेंगे तो बालक अपने पर्यावरण से इतिहास को सहजता से सीखेगा, भूगोल को सहजता से सीखेगा और वो राज व्यवस्था को सहजता से सीखेगा। एक उदाहरण से हम आपको और भी क्लियर कर देंगे कि साहब जैसे आपको वायु नामक प्रकरण पढ़ा रहे हैं और ये वायु नामक जो प्रकरण है ये पर्यावरण की एक विषय वस्तु है। वायु नामक प्रकरण पढ़ा रहे हैं और ये पर्यावरण की एक विषय वस्तु है। और अब देखिए ध्यान दीजिएगा
कि वायु को पढ़ाने के लिए प्रारंभिक कक्षा में ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वो नन्ना छोटा बालक ऑक्सीजन जानता ही नहीं। आप उससे बोलिए तेज से सांस लो, खींचो और छोड़ दो। खींचेगा, सब खींचने लगेंगे और बड़े मजे के साथ खींचेंगे। छोड़ दिया। अब आपको बताना है प्रारंभिक स्तर पर कि आपने जो हवा अपने अंदर लेकर के गए, वह हवा हमें पौधों से प्राप्त होता है, और जो आपने अपने अंदर से हवा बाहर निकाला उसको पौधे ग्रहण करते हैं। अब इतनी प्रारंभिक स्तर पे बताइए कि हमें, अब पूछा कि आपको वायु कहां से मिलता है, बताएगा पौधों से मिलता है। पूछे क्या पौधों को काटा जाना चाहिए, बोलेगा नहीं काटा जाना चाहिए। देखिए आप, अब क्या ये वायु नामक प्रकरण क्या विज्ञान विषय के साथ मैच करता है या नहीं करता है? करता है सब। देखिए विज्ञान को भी पर्यावरण में समाहित किया, हम एक और विषय को करके प्रूफ कर देते हैं। अब बालक से पूछिए कि क्या आपने पौधे को कभी छत पर उगते हुए, कभी पत्थर पर उगते हुए देखा है? बालक कहेगा नहीं देखा साहब, मैंने नहीं देखा। तो मुझे कहाँ देखा? तो बताएगा कि मैंने उसको मट्टी में, व्यवहार में कहता मट्टी शब्द का, मिट्टी के लिए प्रयोग कर, कहाँ देखा? मिट्टी में देखा। तो अब देखिए, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम केवल सांस ही ग्रहण करते, हवा ही ग्रहण करते हो, और कुछ करते हो? बताए खाना खाते, पानी पीते हैं। तो हम शिक्षक के तौर पे बताए कि पौधों में फल लगते हैं, गेहूं का पौधा होता है, अरहर का पौधा होता है, और हम जो खाना खाते वो भी हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता। पौधे किस पर उगते हैं? मिट्टी पर। बालक ने बताया मिट्टी पर उगते हैं। क्या आप प्रारंभिक स्तर पर भूगोल का नॉलेज दिए, ज्ञान दिए या नहीं दिए? इसी प्रकार से अन्य भी यहाँ पर विषयों को पर्यावरण के साथ प्रारंभिक स्तर पर जोड़ते हुए आपको सिखा देना, समझा देना ही एकीकृत उपागम है, जिसपे एनसीएफ 2005 ने अपना विशेष फोकस रखा हुआ था। तो आज हम आपके साथ बातचीत किए यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण के एकीकृत उपागम पर। हम सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते। थैंक यू।